सभी लघु दीर्घ दलों की होड़ में अब विदर्भ राज्य आंदोलन समिति भी विदर्भ की 10 जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहां विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वामन राव चटप ने जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि 6 मार्च 2024 को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की कोर कमेटी और सभी जिला प्रमुखों की संयुक्त बैठक गिरिपेट स्थित केंद्रीय कार्यालय में जिला संयोजक प्रो पुरुषोत्तम पाटिल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 1 जनवरी 2024 से विदर्भ की सभी राज्य सीमाओं और संभागीय सीमाओं पर चलाए गए बोर्ड लगाओ और रास्ता रोको आंदोलन की समीक्षा की गई। सभी जगहों पर आंदोलन सफल रहे इस पर चर्चा हुई और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा क्षेत्र में विदर्भवादी उम्मीदवार खड़ा करने और बदलाव लाने वाला निर्णायक निर्णय लेने पर सभी विदर्भवादी संगठनों और पार्टियों से चर्चा की गई, जिसमें सभी का समर्थन और विदर्भ की सभी पार्टियां और संगठन विश्वास में है। इस सभा में अगले चुनाव समर्थन और रणनीति के संबंध में चर्चा की गई और सभी समान विचारधारा वाली विदर्भ पार्टियों और संगठनों के परामर्श से परिवर्तनकारी निर्णय लेने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया। इस सभा को एडवोकेट वामन राव चटप, अरुण केदार, मुकेश मासुरकर, डॉक्टर रमेश कुमार गजबे, विष्णु आष्टिकर, किशोर कामुने, रमेश वरुडकर, नरेश मेमजी, अरुण मुनघाटे, कृष्णराव भोंगाडे, गुलाबराव थांडे, राजकुमार शेंडे, नसीर शेख आदि उपस्थित थे। ऐसी जानकारी इस समय विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वामन राव चटप ने दी। पुरुषोत्तम पटेल की अध्यक्षता में हुई और जो भी आंदोलन 1 जनवरी से शुरू हुए, हर बाउंड्री पर, इंटरस्टेट बाउंड्री पर जो बोर्ड लगाने का आंदोलन था, रास्ता रोको करने का, उसका सबका जायजा लिया गया और अगले आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में सब विदर्भवादी संगठन, सब विदर्भवादी पार्टी, जो समविचारी पार्टी विदर्भ के बारे में थिंक आउट करना रही, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके सबको किसको दिए 10 जगह पे किसका उम्मीदवार करने का, ये सब तय होने के बाद ये समय निर्णय ऐसा करना है कि विदर्भ की जनता को विदर्भ के लिए निर्णायक निर्णय करने के लिए किसको पाठिंबा देने का, दोनों आघाड़ी छोड़कर इस सिलसिले में चर्चा हुई। इस सिलसिले में सभी विदर्भवादी संगठन पार्टी, समविचारी पार्टी जो उम्मीदवार खड़ा करेगी उसको पार्टी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो आंदोलन सपोर्ट देने का निर्णय करेगी और विदर्भ में निर्णायक निर्णय करके विदर्भ में इस ढंग का चेंज लाएगी, ये हमारा वादा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।